घर में बनाइए आप लोग, कितना अच्छा बन गया। पालक का सीजन है, बहुत अच्छा है, ग्रीन वेजिटेबल खाने का बोलते हैं। अच्छे सा बनाइए आप लोग, हेल्दी है, ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत ही अच्छा दिखा है मैंने, ऑयल कम करके आप लोग बनाइए, खा लीजिए। कैसा रह गया, कैसा टेस्ट आया, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सावित्री किचन में स्वागत है आप लोगों का। आप लोग कैसा है, भगवान ऐसे सब ठीक ठाक है, सब हेल्दी है, सब खुशी रहने के लिए हर दिन भगवान को मैं प्रेयर कर रही है आप लोग के लिए। मैं भी अच्छी हूँ। आज आप लोगों को सामने लेके आया हेल्दी वाला पालक कोफ्ता। पालक कोफ्ता कैसा बनाने का है वो, उसके लिए क्या क्या चाहिए मैं बता रही आप लोगों को। 200 ग्राम तक पालक लेके काट के रखा है मैंने। मैं आप लोग देखिएगा तो ऐसा मेजरमेंट ऐसा ले लीजिए, आप लोग को मेजरमेंट नहीं तो ऐसा भर के थोड़ा सा हाथ से ऐसा लेने का है, ठीक है। बारीक बारीक काट के धो के अच्छे से बारीक काट के मैंने अच्छे से रख दिया पहले से। उसके लिए उस बेसन लिया है मैंने, एक कटोरी बेसन है, आप लोग का हिसाब से ले लीजिए, थोड़ा सा कम ज़्यादा। आप लोग को इतना पालक नहीं चाहिए तो आधा भी ले सकते हैं, आधा बेसन डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने एक कप बेसन लिया है। उसके लिए हरी मिर्ची और अदरक कूटा हुआ पेस्ट लिया है एक टीस्पून, और आधा टीस्पून से कम थोड़ा हल्दी लिया है, और स्वाद अनुसार नमक लिया है, और जीरा एक टीस्पून लिया है, डेढ़ टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर लिया है। आप लोग मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार आप लोग कितना चाहिए उतना खाली डाल दीजिए, बच्चे लोग भी खाएगा, देख के डाल दीजिए। अभी कोफ्ता के लिए दिखा रही है, पहले कोफ्ता के लिए क्या क्या चाहिए सब दिखाया, कन्फ्यूज नहीं होने का आप लोग, इसीलिए ये कोफ्ता बनाने के लिए मैंने दिखाया। बाद में कोफ्ता का ग्रेवी दिखाती हूँ, उसके लिए क्या चाहिए बाद में बताऊंगी। पहले कटा हुआ पालक लिए बेसन डालती हूँ मैं, एक कप बेसन। आप लोग थोड़ा ज्यादा चाहिए तो भी डाल सकते हैं, मगर ज्यादा होगी तो पालक अच्छे से नहीं टेस्ट नहीं आएगा। पहले नमक डाल देंगे, क्यों थोड़ा सा पानी नहीं छूटेगा, अच्छा लगता है ना ज्यादा। अभी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, अभी हल्दी डाला है, धनिया पाउडर डाला है, जीरा पाउडर डाला है, मैंने अदरक और हरी मिर्ची वाला पेस्ट डाल दिया। लेकिन आप लोग को कितना चाहिए मिर्ची उतना डाल दीजिए, मिर्ची सूट नहीं होगी तो आप लोग सिर्फ लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अभी इसको हाथ से मैंने हाथ धो के आया अच्छे से, एकदम अच्छे से, पानी ज्यादा नहीं चाहिए क्यों पालक में पानी आ जाता है ना, उसके लिए ज्यादा पतला हो गई तो मुसीबत हो जाएगा। आप लोग देख के डाल, देखना बराबर हो गए ना। अभी देखना, अभी पानी का जरूरत ही नहीं पड़ा मेरे को, पानी डालेगा और पतला हो जाएगा, एकदम अच्छा बराबर हो गया, एकदम एक बूंद भी पानी नहीं डाला हमने। आप लोग पालक धोएगा तुरंत मत कर दीजिए, एकदम जाली में रख के पूरा पानी जाने दीजिए, नहीं तो ये कपड़ा में कॉटन कपड़ा में डाल दीजिए, पूरा पानी जाएगा तभी रख दीजिए। मैंने पूरा पानी निकालने के बाद ही इतना पानी आया, देखना। और तुरंत धो के आप लोग बेसन डालेगा, बहुत पतला हो जाएगा, एक छन्नी में डाल के पूरा जाने के बाद, चाहिए तो ये कपड़ा में डाल के जल्दी होगी तो 2 मिनट पूरा पानी सूखा करने के बाद फिर बेसन डाल दीजिए। देखना अभी पूरा निकाल के खींचने के बाद भी कितना पानी आया इसके अंदर। अभी मैंने कोफ्ता को तेल में डाल के फ्राई नहीं कर रही है मैं, उनका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं लगता है, ऑयल ज्यादा अच्छा नहीं है ना। मैं इसको घी लगा रही है प्लेट में, स्टीम से कुक करेंगे, और मैं तेल में फ्राई नहीं कर रही है मैं, ये हेल्थ के लिए अच्छा है ना, बहुत तेल खींचेगा फिर खाने के लिए भी हेल्थ को और भी प्रॉब्लम है ऑयल, इसलिए स्टीम वाला दिखा रही है आपको कोफ्ता मैंने। अभी इसको छोटा छोटा गोल करेंगे हम लोग, आप लोग इडली प्लेट में भी रख सकते हैं, इडली प्लेट है तो इडली प्लेट में रख के स्टीम ले लीजिए, नीचे पानी डाल के इडली कैसा बनाते हैं हम लोग ऐसा स्टीम लेने का इसको। आप लोग को थोड़ा चाहिए तो बेसन ले लीजिए, ज्यादा पसंद है तो, मेरे को बस इतने बेसन डाल दिए, चाहिए तो और 2-3 टीस्पून बेसन डाल सकते हैं आप लोग। अभी मैंने कढ़ाई रखा है, कढ़ाई के अंदर मैंने ज्यादा कुकर बर्तन रखेगा तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए थोड़ा बना रही है। मैंने कढ़ाई रखा, कढ़ाई के अंदर मेरे नीचे पानी नहीं जाने का ना, इसलिए स्टैंड डाल दिया, मैंने दिख रहे हैं आप लोगों को, स्टैंड डाल के एक ग्लास पानी डाला है, उसके अंदर ये पानी ऊपर नहीं आने का ना, इसलिए ये प्लेट रखा है मैंने उसका नीचे। अभी कोफ्ता ज़्यादा हो गया, प्लेट में नहीं आया, इसलिए इडली स्टैंड भी रख रही है मैं, इसमें भी थोड़ा रखा है मैंने, ऐसा भी रख सकते हैं आप लोग, ये रख के ये प्लेट उल्टा कर दिया मैंने।
ऐसा रख के और ये भी इसके अंदर रख सकते हैं। देखना कितना अच्छा सब एक साथ हो जाएगा, दो दो बार नहीं बनानी पाए। इडली स्टैंड में थोड़ा रख के उसको ऊपर प्लेट उल्टा करके ये मैंने ऊपर और रख दिया। अभी इसको ऊपर ढकेंगे, अच्छे से स्टीम करेंगे हम लोग, ऐसे ढकेंगे। 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में बन जाएगा, कोफ्ता बनेगा। तब तक हम लोग ग्रेवी बनाने शुरू कर देंगे। अभी 4 लाल टमाटर लिया है मैंने, 4 टमाटर का प्यूरी बना के मैंने रखा है अभी पहले से। उसके लिए अभी मैंने 10-12 काजू लिया है, काजू। और घर में एक हफ्ता तो मैंने दूध उबालती हूँ ना, उसको मलाई मैंने जमा करके रखती हूँ, वो मलाई है मैंने डाल दिया। मैंने वो बाहर का चीज, वो बाहर का मलाई मिलता है ना, वो बहुत हेवी रहता है, वो अच्छा भी नहीं है। ये फुल क्रीम वाला मलाई नहीं है, मैंने नॉर्मल दूध मंगवाती हूँ उसी का मलाई है वो। मैं वही जमा करके रखती हूँ, वही डाल दिया मैंने। 1/2 कप से कम है मलाई, और 10-12 काजू मैंने पीस के रखा है, 1/2 कप को पीस के रखा है मैंने उसका। अभी 1 टीस्पून मैंने अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, और थोड़ा सा हल्दी लिया है 1/2 टीस्पून से कम, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून से कम गर्म मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा हींग लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है। आप लोगों को चाहिए तो लहसुन और प्याज भी पीस के डाल सकते हैं, मैं तो नहीं डाला है। प्याज और लहसुन भी ये प्यूरी में डाल सकते हैं, टमाटर पीसने के टाइम 1 प्याज और थोड़ा लहसुन भी डाल के प्यूरी बना सकते हैं आप लोग, वो अच्छा टेस्ट आता है। आप लोग को चाहिए तो ऐसा भी बनाइए, मैं नहीं डाला है। अभी गैस चालू किया है मैंने, थोड़ा सा घी डाल रही है, ऑयल भी डाल सकते हैं आप लोग, मैंने घी डाल रही है, बस थोड़ा सा घी डाला है, 2 टेबलस्पून से कम है। अभी जीरा डाल रही है मैं, देखने ये उपवास में भी खा सकते हैं आप लोग, वो प्याज लहसुन खाएगा तो कोई उपवास रहता है ना, वो संकष्टी वगैरह कभी कोई भी उपवास में नहीं खा पाता है, इसलिए ऐसा भी बना सकते हैं। अभी हींग डाल रही है, अभी थोड़ा हरी मिर्ची और हरी मिर्ची अदरक का पेस्ट है। अच्छा लग रही है। अभी धनिया पाउडर डाला है, अभी हल्दी डाला है, अभी ये टमाटर का ग्रेवी डाल रही है। ग्रेवी उड़ जाएगा, थोड़ा दूर रहिए, आप लोग का चीटा ऊपर गिरेगा थोड़ा सा, इसलिए दूर रह के थोड़ा सा हिलाइए। मलाई और काजू का पेस्ट है, देखने कितना अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी बहुत आ जाएगा। ये फुल क्रीम वाला मलाई नहीं है। अभी ढक्कन लगाएंगे, नहीं तो उड़ के चीटा ऊपर गिरेगा। तो थोड़ा सा पानी थोड़ा गाढ़ा होने के तक 2 मिनट बंद करेंगे, फिर निकाल के हम लोग हिलाते रहने का, तो 1-1 मिनट में, नहीं तो जल जाएगा, नीचे से जलेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा ना। अभी ढक्कन लगाते हैं, अभी कोफ्ता बन गया कि नहीं हम लोग चेक करेंगे। 10 मिनट हो गए ना, वाओ बढ़िया बन गया है, देखना कितना अच्छा लग रही है, आप लोग को दिखाती हूँ, देखना एकदम कड़क हो गया है ना, ये देखना। क्यों ऑयल में फ्राई करने का, हेल्थ क्यों खराब करने का, यह भी बढ़िया टेस्ट आएगा। दिखाती हूँ सब्जी आप लोगों को, ऐसा स्टीम कर दीजिए, बहुत ही बढ़िया कोफ्ता बनेगा, देखना बन गया, एकदम कड़क हो गया ना, देखना पालक भी पक गया, बेसन भी पक गया। अभी बंद कर रही है गैस को मैंने, अभी ये ग्रेवी बनेगी उसके अंदर डाल देंगे हम लोग। ग्रेवी कैसा हो गया देखेंगे हम लोग अभी, हाँ थोड़ा गाढ़ा हो गया है, देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा गाढ़ा हो गया थोड़ा सा। अभी और थोड़ा ऑयल छूटेगा, घी छूटेगा, मतलब घी इतना नहीं डाला ना हम लोग ने छूटने के लिए साइड में से, इतना नहीं आएगा बाहर, घी थोड़ा सा ही डाल दिया मैंने, इसलिए हम लोग अभी गरम मसाला पाउडर डाल रही है। अभी स्वाद अनुसार नमक डाल रही है थोड़ा सा ही है, और लाल मिर्ची पाउडर भी डाल दिया। अभी ग्रेवी एकदम, देखना अभी घी भी छूटने लगा, देखना साइड में से घी थोड़ा सा डाला, फिर भी घी साइड में से दिख रही है। अभी इसके अंदर 2 कप पानी डाल देंगे हम लोग, क्यों ग्रेवी बोलेगा तो थोड़ा सा पतला रहने का ना, अभी कोफ्ते में पानी खींचेगा ना। अभी देखना 1 कटोरी डाला, और 1 कटोरी से थोड़ा सा कम डाल दिया मैंने।
अभी इसको एक उबाल आने के तक थोड़ा बॉईल होने का है, एक बार बॉईल हो जाएगा तभी कोफ्ता डालेंगे हम लोग। तब तक कोफ्ता निकाल के रखती हूँ मैं। अभी उबाल आया ना, बॉईल हो रही है, देखने कितना अच्छा। अभी कोफ्ता, अभी इडली स्टैंड में भी रखा ना मैंने, इडली प्लेट में, वो भी डाल देंगे। कितना अच्छा बन गया ना कोफ्ता, देखना आप लोग, पूरी जैसा हो गया पूरा। ज़्यादा हो गई ना, अभी दो बार क्यों करने का टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं इडली स्टैंड में और प्लेट में भी रख दिया। प्लेट का भी दिखा रही है, इडली स्टैंड का भी दिखाया आप लोगों ने। अभी सारा डाल दिया मैंने, अभी इसको बंद कर देंगे 5 मिनट। इसका ग्रेवी को कोफ्ता खींचेगा ना, तब तक 5 मिनट हम लोग सिम में रख के बॉईल करेंगे। गैस धीरे आंच में लगाया मैंने, अभी बंद कर देंगे ढक्कन थोड़ा सा। अभी ढक्कन लगाया, 5 मिनट रखेंगे फिर निकाल देंगे। धीरे आंच में लगाया, वो सिम में रख दिया 5 मिनट, उसको एकदम अच्छे से बॉईल हो जाएगा। 5 मिनट हो गया है, अभी देखने, अभी बंद कर रही है मैंने। अभी दिखाती हूँ कैसा किचन, देखना अभी एकदम सॉफ्ट हो गया है। अभी थोड़ा सा गैस बंद करके इसके अंदर 2 मिनट रखेंगे, बस गैस बंद कर दिया मैंने। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ते डाल देंगे। देखना फ्रेंड्स कितना अच्छा कोफ्ता बन गया पालक का। अभी पालक का सीजन है, आप लोग ग्रीन वेजिटेबल अच्छा मिलता है। अभी ढक्कन रखेंगे इसके अंदर, अभी देखने कितना अच्छा। अभी गैस बंद कर दिया ढक्कन, अभी 5 मिनट रख के हम लोग टेस्टी टेस्टी खाना खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। और घर में बनाइए आप लोग, कितना अच्छा बन गया। पालक का सीजन है, बहुत अच्छा है, ग्रीन वेजिटेबल खाने का बोलते हैं। अच्छे सा बनाइए आप लोग, हेल्दी है, ज़्यादा ऑयल नहीं है, बहुत ही अच्छा दिखाया मैंने, ऑयल कम करके। आप लोग बनाइए, खा लीजिए, कैसा रह गया, कैसा टेस्ट आया, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। मेरे चैनल के नीचे थम्स अप बटन दबाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय फ्रेंड्स, सी यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।